दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। समय हो चुका है, लगभग 6:45 का समय हो चुका है और सेकंड शिफ्ट के बच्चे छूट चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनसे क्या उनका पेपर रहा है, किस प्रकार से बच्चों का जो नंबर है वो आ रहा है और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो जैसे आते हैं, आपका शिवम रघुवंशी। शिवम, आपका जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का, कितने नंबर आ रहे हैं? सबसे पहले आप नंबर 1 पर, बहुत बहुत बधाई आपको अभी से। अगर मैं आज के पेपर की बात करूँ सेकंड शिफ्ट के, तो कैसा रहा पेपर का लेवल, कैसा था? लेवल थोड़ा ज्यादा ऐसा था कि पहले तो ये बता दूं कि किस किस चीज का कितना पोर्शन था, कितना वेटेज है। लगभग लगभग 30 क्वेश्चन थे, आए तो क्रम से ही रहे पूरे, और 30 क्वेश्चन मैथ के थे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 25 फिक्स थे उसके हिंदी के, और 20 क्वेश्चन थे जीके के, बाकी के जो होंगे मैनेजमेंट का कितना क्वेश्चन, क्योंकि मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसी बात 20 से 25 क्वेश्चन ही थे उसके। कंप्यूटर का क्या रोल था, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन, कितना वेटेज है? 20 से 25 के आसपास थे, सबका इक्वली था, 5 क्वेश्चन का अंतर था। यदि मैथ में 30 थे तो जीके में 20 क्वेश्चन। अगर मैं मैथ्स के टॉपिक वाइज बात करूं या चैप्टर वाइज बात करूं, तो मैथ्स में आप बताएंगे किस टॉपिक से, किस चैप्टर से ज्यादा? मैथ्स में देखो प्राय का सबसे ज्यादा दे रहे हैं, करीब 5 से 6 क्वेश्चन थे जी। उसके अलावा एडवांस मैथ में थे, जैसे कि घन घनाभ के दे रहे थे जी, कुछ पाई चार्ट दे रहे थे जी, कुछ जो लाइनिंग में बनते हैं वो भी दे रहे थे। इसके अलावा चाल के थे, प्रायिकता वाले तो थे ही जी, और टाइम एंड वर्क के भी। टाइम एंड वर्क परसेंटेज से था? हाँ, प्रॉफिट एंड परसेंटेज दोनों से था, प्रॉफिट ऑफ लॉस के साथ 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन। अगर इसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो टॉपिक वाइज अगर आप बताएं चैप्टर वाइज किस टॉपिक से? यार रीजनिंग में कुछ आकृतियां दी थी 3 से 4 जी, और उसके अलावा मिश्रण भी दिया था उसमें, मिश्रण उसी में मिक्स करके देती है रीजनिंग में मैथ की जगह जी। तो जैसे दूध में क्या मिलाया, पानी कितना डाला, ये करके। अच्छा, ओके। इसके अलावा अगर मैं हिंदी की बात करूं, तो हिंदी में किस? हिंदी में बहुत सरल है, सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं उसमें कारक वगैरह, कारक कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन थे कारकों से जी, संधि वगैरह ये तो थी नहीं। ओके, आज के उसमें। इसके अलावा अलंग उसमें थे, हाँ अलंकारों में थे करीब 3 से 4 क्वेश्चन। और अच्छा, इसके बाद अगर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की बात करें, तो मैनेजमेंट में कैसा है, बच्चों को किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? मैनेजमेंट में तो सब इतना टफ तो नहीं दे रहे हैं, पर नॉर्मली प्रबंधन वाला ज्यादा दे रहे हैं। प्रबंधन, जैसे कि उन्होंने पूछा कि इस संगठन में कौन से प्रबंधन को ये अधिकार दिए जाते हैं, जैसे मध्य प्रबंधन, सीट्स प्रबंधन और इस तरीके से। तो मतलब मैनेजमेंट का लेवल मीडियम था, मतलब मॉडरेट था या इजी था या फिर हाई था? हाई। अच्छा, कंप्यूटर के भी बहुत सारे बच्चे को यार कुछ इजी थे और अधिकतर क्वेश्चन जो थे टफ थे उसमें। अच्छा, टफ थे, तो कुल मिला के आज के पेपर को मॉडरेट कह सकते हैं? नहीं, आज के पेपर को टफ कहेंगे। अच्छा, टफ कहेंगे, मॉडरेट नहीं कहेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या एक बार और नाम बता दीजिए अपना? शिवम रघुवंशी। तो शिवम रघुवंशी हमारे साथ थे, जिनका नंबर आपका कितना आ रहा है? 147 आ रहा है। और विद्यार्थी आपका? अंकित। आज का पेपर जो सेकंड शिफ्ट का था पटवारी का, वो कैसा रहा आपका? टफ था। अच्छा, मैं ऑल ओवर पेपर की बात करूँ तो टफ था। अगर मैं वेटेज पूछूँ, तो किस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज था? मैथ्स का था, इंग्लिश भी था, मैनेजमेंट भी था। वैसे तो सारे 8 ही सब्जेक्ट ले, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के आपको देखने को मिले? इंग्लिश से थे 25 क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसी बार जोड़ा गया है प्रबंधन, तो उसमें आपको मैनेजमेंट को अटेंड ही नहीं किया आपने? ओके, मैनेजमेंट तो लेना ही। अच्छा, आपके नंबर कितने, आपने बताया कितने नंबर आ रहे हैं आपको? 68। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अच्छा, आज के सेकंड शिफ्ट के पेपर की बात करें, तो कैसा था लेवल, मॉडरेट था, इजी था या हाई था? ठीक था, मैथ्स रीजनिंग की किताब थी। अच्छा, और जीके अच्छा था। अच्छा, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा वेटेज, किस सब्जेक्ट का ज्यादा था? मैथ्स का था, रीजनिंग था, मैनेजमेंट का था? मैनेजमेंट नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए थे? मैथ्स से आए थे। मैथ्स से आए थे।